ये देखो फ्रेंड्स, दवा मिल गई। दीदी की ये बत्ती आंधी है। हाँ, और क्या? और ने इनको दवाई मिली है। ऐसे कब हो? हाँ हाँ, अब ले। ऐसे कब हो गई? सुई लगी है इनको। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जेसिका और आपके अपने जेसिका ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और इस वीडियो में आप देखेंगे लौकी का नाश्ता, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो पे आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें हम अभी आ चुके हैं डॉक्टर के पास, और यहाँ पे अपने पैर का इलाज कराने आए हैं। जैसे कि हम आपको पहले दिखा चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गुरखुल जैसे दिख रहा है, पर ये गुरखुल नहीं है, पर ये थोड़ा सा मोटा है, और आपको बता दें गांठ के जैसे हैं। तो यहाँ पर सुन्न की इंजेक्शन लगा रहे हैं ताकि काटने पर दर्द ना हो। तो देखिए अभी क्या क्या करते हैं, तो वीडियो पे आप ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक। और फ्रेंड्स, अब आपको बता दें जैसे ही डॉक्टर भैया यहाँ पे इंजेक्शन लगाए सुन्न का, वैसे ही एकदम सुन्न हो गया, कुछ यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, दर्द भी खत्म हो गया। तो चलिए अब देखिए क्या करते हैं। तो मैंने भी टच किया पैर में, पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। और आपको बता दें पहली बार है जो कि सुन्न का इंजेक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर ये दूसरा इंजेक्शन है, इसको लगाए तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे देखिए ये दूसरा भी लग गया है, और आगे क्या करते हैं आप देखिएगा। हिलाया रहा कुर्सी उसी क्या था? तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पैर का ऑपरेशन हो गया है, तो डॉक्टर भैया अब क्या करेंगे, यहाँ पे पट्टी बांधेंगे। तो चलिए ये पट्टी भी कर देंगे। और आपको बता दें इसको, ये जो पैर में है हमारे, इसको ये 1 महीने हो गए हैं, 1-1.5 महीने हो गए हैं, और ये स्टार्टिंग से ऐसे ही है जैसे आप अभी वीडियो में देखे हैं। और ये स्टार्टिंग में उतना दर्द नहीं हो रहा था, बिल्कुल हल्का हल्का हो रहा था, पर धीरे धीरे करके ये हल्का ज़्यादा दर्द होने लगा है। तो यहाँ पे देखिए दवा को लगा दिए हैं, उसके बाद आप देखिए क्या करते हैं। दवा अपन जैसे हुई लगाई करनी है भैया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, तो ऐसे ही आप बने रहिए लास्ट तक। हर्षित को देखो बड़े ध्यान से देख रहा है, और कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं साइड में हैं, पर वो इस वीडियो में नहीं दिख पा रहे हैं। अभी पट्टी हो चुकी है, तो डॉक्टर भी यहाँ पे हमको बोल रहे हैं पैर ऐसे करके रखना 1 घंटे तक, क्योंकि ब्लड ना निकले। उसके बाद देखिए हम इस तरीके से रख लिए हैं, और यहाँ पर ये तीसरा इंजेक्शन है जो कि हाथ में लग रहा है। इंजेक्शन लगने के बाद यहाँ पे हमको दवा भी मिल गई है। दीदी की ये बत्ती आंधी है। हाँ, और क्या? और ने इनको दवाई मिली है। ऐसे कब हो गई? हाँ हाँ, अब ले। ऐसे कब हो गई? सुई लगी है इनको। सबको पार्टी देखो पीछे देखो क्या खड़े हैं, ये प्राची अर्पिता। अर्पिता सूर्य किधर है? ये मैं हर्षित हूँ, मेरा नाम नील है। फ्रेंड्स, अब चलिए बनाते हैं नाश्ता को। तो यहाँ पे लौकी ले लेना है, और इन्हें हम सबसे पहले छीलेंगे। तो छीलने के लिए यहाँ पे आ गए हैं, उसके बाद यहाँ पे ये चक्कू लिए हैं, तो बीज भी इनके अंदर का निकाल देना है गोल गोल करके।
और आपको बता दें, ये नाश्ता बनाना बहुत ही सिंपल है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि हम आपको क्या ही बताएं। तो चलिए आप लास्ट तक देखिएगा इस नाश्ते को। तो यहाँ पे देखिए हम छील ले रहे हैं, छीलने के बाद अब इनका हम बीज निकाल देते हैं। ये देखिए निकल गया है। तो अब आलू को फ्राई करने चलते हैं आगे इंडक्शन के पास, और कढ़ाई को चढ़ा दी, इसमें डाले हैं सरसों का तेल। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें डाल देते हैं जीरा, और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे सौंफ, इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, और बारीक कटा अदरक, उसके बाद हरी मिर्च। ये सब डालने के बाद थोड़ा सा पका लेना है। पक जाने के बाद मसाले में डालना है हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और ये रहा गरम मसाला। तो जब ये मसाले थोड़ा सा पक जाते हैं तो यहाँ पे ले लिए चाट मसाला, इनको भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा चटपटा भी लगे। और काला नमक डाल देना है पिसा हुआ, और ये जाएगा इसमें बारीक कटा टमाटर। उसके बाद चलिए इन सबको पका लेते हैं। और फ्रेंड्स अब इसमें डालेंगे पत्ता गोभी बारीक कटा, और ये रहा शिमला मिर्च। उसके बाद इनको हम चलाते हुए पकाएंगे, जब ये पक जाएंगे तब डालना है उबली हुई मटर। तो देख सकते हैं अब इस तरीके से कलछुल से मिला लेना है, उबला हुआ आलू डाल देना है फोड़ करके अच्छे से। तो अभी ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं, जैसे कि आपको दिखा दें ये देखिए। और चलिए अब इसमें डाल देते हैं नमक टेस्ट के हिसाब से, उसके बाद इन्हें मिला करके थाली में निकाल लिए ठंडा होने के लिए। तो इधर साइड आ जाते हैं इंडक्शन के पास में। लौकी को हल्का सा उबाल लेना है पानी में, तो 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं यहाँ पर साइड में, और हल्का ठंडा हो जाए तो इसमें फ्राई किया हुआ आलू को कुछ इस तरीके से भर लेना है अच्छे से। उसके बाद देखिए इधर साइड भी हम आलू को भर देंगे, दूसरे साइड भी। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो अब इन्हें हम कट करेंगे चाकू से गोल गोल, इस तरीके से कट कर लेना है। तो जब ये सब कट हो जाएंगे तब यहाँ पे हम इनको फ्राई करेंगे। अभी सबसे पहले इनको कट कर लेते हैं। कॉर्न फ्लोर का घोल बनाने के लिए यहाँ पे एक कटोरी में ले लेना है 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर, उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसमें पानी डाल करके घोल तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है, जितने में हमें ज़रूरत है बस उतना ही बनाना है। उसके बाद यहाँ पे एक उठा लेते हैं और कॉर्न फ्लोर के घोल में डिप करके यहाँ पे ब्रेड क्रम्स में रैप कर लेना है अच्छे से सब तरफ से। उसके बाद इन्हें ऑयल में फ्राई करने के लिए डाल देते हैं, इधर ऑयल भी अच्छे से गर्म होना चाहिए, और दूसरा भी इसी तरीके से हम यहाँ पे डालेंगे ऑयल में फ्राई होने के लिए। तो इसी तरीके से एक एक करके आपको डालते जाना है ऑयल में फ्राई होने के लिए। जब ये कुछ देर पक जाए तो इन्हें पलट करके पका लेना है, उसके बाद इन्हें चलाते हुए सब तरफ से बहुत अच्छे से पका लेंगे। और पक जाने के बाद इधर हम निकाल लेते हैं, और ये खजूर की चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। अगर आपके पास खजूर की चटनी ना हो तो आप टमाटर की चटनी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत